Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Okay, today we start the median of the chapter number 14, statistics topic 3. Is the third central tendency measure is the median. So median for the discrete group data bacho, maine bataya tha median is you arrange the observation ascending and descending order, exact mid value is called the median of the data. Right, so the median here the, so for the discrete group data, n plus 1 by 2th observations. So when the n is odd and n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation by 2 when the n is even, right? Also here you see the simple that the observations is n plus 1 by 2th observation and see the CFI for the discrete group data. Now continuous group data standard 10. Okay, so standard 10 here. So the group data is equal to median L plus N by 2 minus CF upon F into H. But so, median ki formulas hai, okay, wali, jo aap dekh rahe ho abhi, whatever hai, to A jo hume formulas hai na, right, the A formula, hum iska use karne wale hai, right, this one, chalo. क्या है फॉर्मूला L ओके कर दिया हमने L सो L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी CF इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और लास्ट में H बचा है H इज अ क्लास लाइन और क्लास लेंथ ओके क्लास लेंथ ओके नाउ समझ में आ गया तो देखो L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास आपने मॉडल क्लास दिखा था मोड फाइंड आउट तो यहाँ पे आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे स्टेप वन स्टेप टू में हम लोग ये मेथड कंप्लीट करेंगे राइट तो मेथड में आपको बता दूंगा तब आपको पता चल जाएगा राइट एच फॉर क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास राइट तो सी एफ आई क्या लेना है सबसे इंपोर्टेंट सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों राइट तो चलो अब लोग हम लोग देखते हैं आगे एक्सरसाइज 14.3 तो चलो यहाँ पे है पहले मीडियन फाइंड आउट करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दिया है यू फाइंड आउट द मीडियन राइट तो लेट्स सी मीडियन कैसे करते हैं तो सीएफआई के अंदर क्या आपको टोटल करते जाना है पहला कौन है 4 तो एज इट इज रहेगा बच्चों 4 अब देखो 4 + 5 कितना होता है 9 राइट क्या होता है 9 चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 9 आ गया अब हमें जरूरत है सॉरी 9 + 13 तो कितना हो जाएगा 22 + 20 सो 42 + 14 = 56 56 + 8 ओके 56 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों 56 + 8 तो 64 राइट एंड 64 + 8 सो 68 राइट तो ए टोटल इक्वल आ जाने चाहिए कंपलसरी तो 12 + 4 = 16 16 + 4 = 28 तो राइट ए बराबर और फिर क्या हो गया 2 राइट तो ए भी 68 ही हो रहा है राइट तो बराबर है ओके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको आप एन कहते हो फॉर दिस चलो अब मैंने बताया था इस स्टेप तो स्टेप वन क्या करेंगे बच्चों हियर स्टेप वन चलो स्टेप वन क्या है तो सबसे पहले आप करोगे एम के लिए एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशंस राइट चलो एन कितना आया बच्चों 68 / 2 ऑब्जर्वेशंस राइट ओके तो यहाँ पे 62 तो कितना हो जाएगा 68 है 68 डिवाइड बाय 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा 39 कितना आ जाएगा 39 सॉरी हियर आई एम माय मिस्टेक्स ओके हमने आपको डिवाइड करके यहाँ से कर लिया है तो चलो एक कर लेते हैं तो फिर 34 कितना आ जाएगा 34
चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास में चेक करेंगे राइट। तो ये कौन से क्लास में आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है राइट। तो चलो सबसे पहले तो आपको मीडियन क्लास मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मीडियन क्लास। तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूँ मीडियन क्लास राइट। ये क्या है, मीडियन क्लास। चलो क्या आया मीडियन क्लास, तो 34 CFI के अंदर देखो कहाँ पे आएगा, 22 यहाँ पे खत्म हो जाएगा और 42। तो 22 से लेके 42 के बीच में 34 आता है, तो यहाँ पे आपको मीडियन क्लास बच्चों मिल गया। तो आप उसको कौन सा वाला, तो मैं अंडरलाइन करता हूँ आपको पता चल जाएगा, ए वाला। ओके बच्चों, ए वाला 42 आया ना इसीलिए राइट। ओके, तो ए जो आपको मिल रहा है रेड लाइन से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा राइट। सो ए हो गया आपका मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास आ गया 125, सॉरी चलो वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इंटर, तो बच्चों एल जो है वो कितना है, लोअर लिमिट 125। उसके बाद क्लास लेंथ, क्लास इंटरवल वो कितना है, 20 राइट। सी एफ क्या है, तो सी एफ मतलब द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाले जो फ्रीक्वेंसी, सॉरी सी एफ आई होता है वो 22। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास मीडियन क्लास, तो कितना है, 20। ओके चलो क्लियर ऑल है। तो स्टेप टू आपका, स्टेप नंबर टू क्या आएगा बच्चों, स्टेप टू, तो फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इन टू एच, यू नो द वैल्यू एंड पुट हियर। सो 125 प्लस एन बाय टू, तो कितना था, 68/2, सो 34 माइनस सी एफ, तो कितना है सी एफ, 22 है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो कितना है 20। एच भी कितना दिया है आपको, 20, सो 20 एच 20 है, तो 20 कट हो गया राइट। चलो आगे बढ़ते, तो फिर 20 अगर कट हो गया, सो यू रिटर्न हियर इज इक्वल टू 125 प्लस माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 12, तो यू गॉट द 137 इज योर आंसर राइट। तो आपको मीडियन क्या मिला बच्चों, 137। अब यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों ढूंढने और चेक करना है। मीडियन मैंने आपको ऑलरेडी आगे बता दिया है, मोड भी पढ़ चुके हैं, तो भी एक बार हम लोग मोड को रिफर कर लेते हैं राइट। तो चलो मोड को हम लोग रिफर करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ से, तो मोड कितना है देखो बच्चों यहाँ पे मोड, तो मोड के लिए कहाँ से शुरुआत होती है पहले ये बताओ मुझे। तो मोड से शुरुआत होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से राइट। तो यहाँ पे आपको जो दिख रही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी राइट, ए वाली, ये आपका बन गया F1, ए हो गया F0 और ए हो गया F2 राइट। तो मॉडल क्लास क्या आया, ओके मॉडल क्लास, मॉडल क्लास आपको मिला 125 टू 145। एच तो पता ही है 20, ओके F1 F1 सब कुछ हमने बता दिया है। तो लोअर लिमिट L कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। सो मोड इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू, मोड क्या है बच्चों, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। तो एल फॉर लोअर लिमिट कितना है, 125 प्लस F1 माइनस F2 20 माइनस 13 अपॉन 40 माइनस 13, F2 कितना है 14 एंड H मींस H कितना है 20, ओके सो यहाँ पे 125 प्लस ये 7, अरे तो 7 इंटू 20 अपॉन 40 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, तो 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ओके तो यहाँ पे आपके पास आया 125 प्लस
140 डिवाइड बाय 13 अप्रोक्सीमेट, राइट। अगर हम इसको फॉर्मूला से जाए और डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेट 9 पॉइंट समथिंग है, तो 9 पॉइंट समथिंग है तो हमारा आंसर रबर किससे नजदीक आएगा, पहले एक बार वो चेक कर लेते हैं। सो द आंसर इज नियरेस्ट द 9 है ना, 125, तो वो अप्रोक्सीमेट ओके हमें नॉर्मली आंसर मिलेगा, डिवाइड कर दो 145, 1 है तो 13, 11 पॉइंट समथिंग, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो ना 114 अपॉन 13, तो 13 वंजर 13 तो है 10, 0 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपने एक 0 ला दिया। अब 13 7 जार 91, 13 8 जार थोड़ा, तो 7 जार 76, ओके, सो 135.76, दिस इज माय आंसर फॉर मोड, राइट। कंपेयर कर दो तो तीनों वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, मीन मीडियन मोड, तीनों बहुत नजदीकली ये आती है तीनों की वैल्यू, राइट। तो तीनों मेजर बहुत नजदीक है ऐसा आप कह सकते हो फॉर दिस सम्स, चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, तो देखो क्वेश्चन नंबर टू नॉर्मली क्या दिया है आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर टू है, चलो तो देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, राइट। मीडियन, खाली मीडियन ही ढूंढना है, बट यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी बच्चों, क्या है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे आपको टोटल फ्रीक्वेंसी वो 60 दे दिया है, दैट मीन्स दिस वन इज 60 इज ऑलरेडी गिवन दैट स्टूडेंट्स, राइट। क्या है हमारे पास ऑलरेडी ए वाला तो पोर्शन है ही, राइट ओके, तो चलो चेक कर लेते। मीन दिया हुआ है 28.5 मीडियन, सॉरी एक्स और वाई ढूंढना है, तो सी एफ आई क्या कहता है टोटल, तो सबसे पहले आप लिखोगे 5, फिर ऐड करोगे तो एक्स प्लस 5, एक्स पहले लिखता हूँ ओके, फिर एक्स प्लस 25 ऐड करते जाओ, सो एक्स प्लस 40 होगा, फिर यहाँ पे तो x प्लस वाई प्लस 40 होगा, फिर यहाँ पे आ गया x प्लस वाई प्लस 45 होगा, राइट। पर यहाँ पे टोटल n कितना है बच्चों, 60, अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60, राइट। टोटल फ्रीक्वेंसी तो उतनी है, a टोटल और a टोटल ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया, 15, इसको इक्वेशन नंबर ऑफ 1 कह सकते हो। चलो अब यहाँ पे सीधी बात है बच्चों, मीडियन है तो सम कहाँ से स्टार्ट होगा, हम लोग नॉर्मल स्टेप वन करते हैं, यहाँ पे स्टेप वन की जरूरत नहीं है, 28.5 कौन से क्लास में आएगा, 22-30 के अंदर आएगा, क्या आएगा 22-30 के अंदर, राइट 22-30 के अंदर आएगा, सीधी बात है बच्चों। तो ये आपके लिए मीडियन क्लास हो गया, क्या हो गया मीडियन क्लास बच्चों, ये हो गया, बस यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट। तो चलो यहाँ पे हमारे लिए एच क्या बन गया बच्चों, तो एच मुझे मिल गया क्लास इंटरवल 10, स्मॉल एल मिल गया 20, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 20 है, राइट ओके। आगे बढ़ते बच्चों, एफ सी एफ क्या है, तो सी एफ है एक्स प्लस 25, कितना है एक्स प्लस 25, तो चलो लेट्स स्टार्ट पुट द फॉर्मूला, मीडियन डायरेक्ट स्टेप टू बच्चों मिसिंग में, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज एंड इन टू एच, ये कितना है 28.5 इज इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है हमारी, लोअर लिमिट है 20 प्लस एन बाय टू, 60 है तो 30, सी एफ, सी एफ क्या है एक्स माइनस 25, तो माइनस एक्स माइनस 25 हो गया बच्चों, राइट right? अपॉन एफ, एफ कितना है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी तो 20, एच कितना है तो 10, एक एक जीरो एक कट हो गया, यहाँ पे 20 इस साइड पे चला जाएगा, तो 28.5 माइनस 20, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 30 माइनस, तो 5 माइनस एक्स बाय 2, यहाँ पे 8.5 बचेगा, 8.5 ए 2 यहाँ इस साइड पे आ गया, सो 5 माइनस एक्स, तो एक्स है ना ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा x, और ये क्या बच गया 5,
अरे आपने कट कर दिया 2, n बाई 2 30 है, फिर सी एफ, सी एफ यानी उसके ऊपर वाला क्लास 28, तो x प्लस 25, तो माइनस एक्स माइनस 25 है, ओके तो प्लस 5 माइनस एक्स यहाँ पे बराबर एक्स है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, लोअर लिमिट तो 20 आ रही है यहाँ पे, ओके तो एक्स प्लस 15, एक्स प्लस कितना है बच्चों 15 है। आई थिंक आई वॉन्ट टू चेक दिस, हमने तो ये तो कर दिया, एक्स प्लस 5 कितना आ रहा है 15, तो बराबर है 60 है तो 15 आएगा। मीडियन हमें कितना दिया है बच्चों 28.5, वो भी राइट है। फिर लोअर लिमिट कितनी आ गई 20, लोअर लिमिट कितनी है 20, क्योंकि क्लास तो 22-30 के बीच में आ रहा है, ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन बाई टू 60 माइनस 2 30, ओके माइनस एक्स माइनस 25, माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस 25, ओके माइनस 25 बाई टू, क्यों टू, क्योंकि एच कितना है बच्चों यहाँ पे एच हमारा 10 है और फ्रीक्वेंसी है मीडियन वो 20 है, तो कट हो गया 2 आया, उस साइड पे चला जाएगा 8.5 तो 17 हो जाएगा, ओके तो यहाँ पे एक्स है माइनस सी एफ, सी एफ कितना है यहाँ पे तो 5 प्लस एक्स, एक्स प्लस 20 राइट, तो करेक्शंस आर देयर हमारे पास जो है ओके सो द सी द डेटा, हमें डेटा को फिर से एक बार बच्चों चेक करना पड़ेगा, 28.5 आ रहा है, फिर 5a प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 50, y प्लस 5 इज इक्वल टू 16 राइट। सो सीधी बात है, ये 20 है तो 8.5 इंटू 2 करेंगे तो 16 17 आ जाएगा, ओके तो 5 है तो 30, 30 माइनस 5 तो फ्रीक्वेंसी समथिंग आर रॉन्ग एट दैट टाइम, ओके तो जस्ट वी चेक ओके बोथ द थिंग्स एट डेटा, फ्रॉम द डेटा 0 to 20, 10 to 20, 20 to 30, सो यू जस्ट चेक द सम्स फॉर दिस वन, ओके तो आई जस्ट चेक द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके क्वेश्चन नंबर 2, सो आई थिंक सम आर मिसिंग आर देयर, 28.5 इज अवर मीडियन, आई थिंक 28.5, ओके बिटवीन 20 to 13, तो सी एफ मतलब ओके सी एफ गलत है बच्चों, एक्स प्लस 5 राइट, क्या है एक्स प्लस 5 राइट, क्या है एक्स प्लस 5, यस आई इज मिसिंग राइट, इज वेरी बिग मिस्टेक्स आर देयर, ओके एक्स प्लस 5 सी एफ, ओके सो वी इरेज दिस अगेन एक्स माइनस 5, ओके तो सिंपल हियर द 25 परफेक्ट, सो 8, सो इन साइड नाउ 17 25, सो 25 माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 17 राइट, क्या दिख रहा है आपको माइनस 17, सो यू गॉट 7 एंड 8, तो आपको एक्स क्या मिल गया 8 मिल गया राइट, सो वन मिस्टेक्स एंड पुटिंग ए सी एफ है बच्चों, हमने सी एफ गलत ले लिया था राइट, ए सी एफ है, ओके तो माइंड दिस, इतनी छोटी मिस्टेक बहुत परेशान कर देती है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको इक्वेशन नंबर तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, सो वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8 यू गॉट दिस 7 राइट, चलो ये 7 आ गया, सो दिस इज द अवर आंसर राइट, तो डबल फ्रीक्वेंसी मीन में भी आ सकता है मोड में भी आ सकता है राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन सेम थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 4, 3 से पहले, ओके 3 क्यों नहीं लिया वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है नॉर्मली, चलो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या है आपके पास नॉर्मली ऐसा डेटा नहीं है, आपको जो लेंथ दिख रही है ऐसी नहीं है, वो लेंथ है 118 to 126 है और फिर 127 से शुरू होता है, तो अनबाउंडेड है तो इसको बाउंडेड बनाना पड़ेगा, तो अपर लिमिट में से 0.5 ऐड करो और लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, ओके और ऐसे करके आपको कंटिन्यूअस डेटा बनाना है, तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दी, ओके
यानी क्या है, तो आपका जो पहला क्लास था वो क्या था, 126 टू 100, सॉरी आपका जो डेटा था वो था वो यहाँ पे फर्स्ट 1182 126 था बच्चों, देन आफ्टर 127 टू 135 था, ऐसा था, तो अनबाउंडेड था ऐसे, तो हमें बाउंडेड बनाना था इसीलिए ये करना पड़ा, राइट। तो लेट्स सी दैट, चलो अब यहाँ पे हम लोग करते, तो पहले तो सी एफ आई क्या आएगा, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस कितना है 29, ओके फिर 34, फिर 38 एंड 40, राइट। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों कितना आ गया, ये भी 14, आप इसको एन कह सकते हो, राइट। चलो बहुत अब काम आसान हो गया, स्टेप वन में क्या है, तो एम इज इक्वल टू मतलब मीडियन, एम फॉर बिट आई थिंक मीडियन, सो एन बाय टू ऑब्जर्वेशन किसके अंदर चेक करना है, सी एफ आई के अंदर, तो 40 हियर, राइट। तो यहां पे आप इंडिकेट करोगे राइट 14 बाय टू राइट ऑब्जर्वेशन, सो बच्चों 20th ऑब्जर्वेशन, चलो किस सी एफ आई के अंदर आएगा, तो देखो ये 17 और ये 29, 70 से ज्यादा 29 तक ही है, तो ए वाला आएगा, तो आपका मीडियन क्लास, ये खास स्टेप मीडियन क्लास के लिए ही है, राइट। सो मीडियन क्लास आपको कितना मिला यहाँ पे 144.52, ओके 153.5, राइट। चलो इंडिकेट कर देते दे ताकि आपको पता चले, 29 वाला क्लास यस राइट, तो 829 वाला आपका क्लास हो गया राइट। अब मैं इसकी बारी ले रहा हूं, यानी आपको पता चले प्रीवियस सम के अंदर हमने जो मिस्टेक की थी वो ना हो यहाँ पे इसके लिए, तो ये आपका सी एफ हो गया बच्चों, ये आपका एफ हो गया और ये मीडियन क्लास हो गया राइट। तो स्टेप टू क्या है, स्टेप टू बराबर, इसको अब मैं रब कर देता हूं, जरूरत नहीं है इसीलिए राइट। तो यहाँ पे बच्चों एच है, सो एच इज इक्वल टू क्या है, 9, एच क्या है 9, तो स्टेप टू में मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ओके इन टू एच। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे राइट, यहाँ पे जो 40-40 है वो हो जाना चाहिए, तो ओके नो प्रॉब्लम्स हो रहा है ओके, सो सी दैट। चलो एल कितना है बच्चों, यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है हमारी 144.5 प्लस एन बाई टू कितना गया 20, सी एफ कितना है राइट, तो सी एफ के लिए चेक कर लेते हैं, सी एफ 17 है, कितना है 17, सो माइनस 17 अपॉन एफ कितना है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी 12, क्लास लेंथ कितना है 9, सो 3000 यहाँ पे 4000 ओके, सो 144.5 प्लस और 3000 9, सो प्लस 9/4, सो 9/4 आप डिवाइड कर सकते हो 9/4, तो 4 है तो लाना है तो 25 आ जाएगा ना, 25 4000 100 होता है ओके, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा, डिवाइड क्यों करो 25 इंटू 25 144 और 144.5 क्या है 144.5 राइट, 5 प्लस कितना होगा 25 9000 25 9000 200 225 ओके और डिवाइड तो 2.25 ऐड कर दो 2.25 एंड 144.5 तो ये 5 7 राइट 6, तो योर आंसर इज इक्वल टू 146.75 राइट, दिस इज अवर आंसर ऑफ द मीडियन राइट ऑफ द मीडियन राइट बच्चों। तो जैसे सेकंड सम में ध्यान रखना है ऐसे ओके मिस्टेक्स कम हो ओके, तो 146 पॉइंट दिस राइट, आगे के सम्स आगे के लेक्चर्स में हम लोग सॉल्व करेंगे ओके। तो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग फॉर टाइम ओके फॉर मी, टिल देन एंड बाय बाय।